फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और मैं कविता स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कविति फैमिली ब्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल 2021 और अभी सुबह के 7:45 का टाइम है फ्रेंड्स। और जस्ट जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं मेरे मायके की ब्लॉग शूट कर रही हूं, तो अभी मैं फ़िलहाल हूं मेरे मायके में। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं जो मेरा गेटअप है वो एक्चुअली पूरा ससुराल जैसा लग रहा है, तो क्या मैं रेगुलर ऐसी ही साड़ियाँ पहनती हूँ क्या मायके में? तो जी नहीं फ्रेंड्स, आज 15 तारीख है, तो आज है गणगौर। तो गणगौर के लिए एक्चुअली क्या था ना कि पिछले साल की जो गणगौर थी, तो जैसे कि पिछले साल सिस्टर की शादी वाली गणगौर थी, तो वो गणगौर जो होती है वो हमारी बड़ी गणगौर निकाली जाती है हमारे गांव में, तो वो नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारे जो गांव में दादी लगती हैं उनकी मतलब डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से उसकी बड़ी गणगौर नहीं निकल पाई थी। तो लेकिन बड़ी गणगौर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी वजह से फ्रेंड्स वो जो गणगौर है वो आज मतलब कि तैयार करेंगे और उसको निकालेंगे। तो वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे गणगौर मतलब गणगौर पर मतलब कि बनाए जाती है और किस तरीके से हम फिर ले जाते हैं, वो सारी प्रोसेस फिर आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज का गणगौर स्पेशल ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहाँ घंटी का बटन दिया हुआ है प्लीज़ उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया है कि मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ अपने फ़ोन से, तो इसको मैं एडिट करके रखूँगी व्लॉग्स को, और बाद में जब मैं घर जाऊँगी ससुराल जाऊँगी वहीं जाके मैं अपलोड कर पाऊँगी। तो होपफुली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो बस अभी बस मैं तैयार हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी कोई साड़ी नहीं लेके आई थी, बस मैं पहन के आई थी। आपने जो देखा होगा मेरा आने का जो ब्लॉग था वो देखा होगा, तो उसमें बस मैं येलो कलर की साड़ी पहन के आई थी। तो ये मम्मी की साड़ी ब्लाउज सब मम्मी का ही लिया हुआ है, मम्मी से ही मतलब मम्मी की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, और बाल भी धो लिए थे, तो बस अभी बस तैयारी करेंगे उसकी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे, मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी आज। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर को ये बना रही है, ये देखो क्या कर रही है। शाम की 5:15 का, और फ्रेंड्स अभी क्या है ना, दोपहर में मम्मी ने एक्चुअली जो ब्राह्मण होते हैं मतलब जो बामनी होती है वो आती है एक्चुअली, जो हमने गणगौर बनाई है बड़ी वाली उसको बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए थे तो मेरी मम्मी ने फिर बना लिया। तो मैंने आपको दिखाया गया किस तरीके से फिर मम्मी ने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स अभी उनको हम लेके जाने वाले हैं, तो बस उसके लिए अभी मैंने बस अभी जग ले लिया है पानी का, क्योंकि वो वहाँ पर लेके जाएंगे हम। और एक जो है मतलब जो बनाया है तो वो मतलब सिस्टर ले लेगी और एक मम्मी ले लेगी, क्योंकि अभी हम तो कुछ लेने नहीं देगा, ये मम्मी के पास रुकेगा नहीं इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिर अभी साथ में आपको लेके।
तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से मम्मी लेके आई है। तो ये मम्मी ना यहाँ पे खड़ी हुई हैं क्योंकि जो बाकी जिनके यहाँ पे आज गणगौर निकलने वाली हैं तो वो भी मतलब यहीं पर फिर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अपने अपने घरों से फिर सब लेके आ रहे हैं क्योंकि जिनके घरों में भी शादी होती है, जैसे नई नई जिसके यहाँ पे भी लड़की की शादी होती है या लड़के की भी शादी होती है, तो फिर मतलब ये गणगौर निकाली जाती है। तो हर गाँव में ऐसा रिवाज नहीं है, छोटी गणगौर भी निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे छोटी और बड़ी दोनों गणगौर निकाली जाती है फ्रेंड्स। तो बड़ी गणगौर का खास महत्व होता है हमारे यहाँ पे, तो इसी वजह से फ्रेंड्स बस अभी हम इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि ये कुआ पड़ता है वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे फिर इनको रखकर और फिर पानी पिलाया जाता है। तो अभी आप व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसी तरीके से हमारे यहाँ पे गणगौर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गणगौर मतलब लेके लोग आ गए हैं अपने अपने घरों से, और ये जो लेके जा रहे हैं फ्रेंड्स ये ना काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, पास में नहीं है, काफ़ी टाइम भी लगता है वहाँ पे जाने में। और ना विहान बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, अगर विहान रुक जाता तो मे भी शायद मैं ले लेती इसको, एक तो मम्मी को परेशान नहीं होना पड़ता लेकिन एक मम्मी को लेना पड़ा। हालांकि सबसे आगे ना मम्मी थी, मतलब कि हम लोग तो सोच रहे थे कि मतलब कि मम्मी से परेशान हो गई होगी मम्मी, लेकिन मम्मी ना सबसे आगे निकल गई थी और जो सिस्टर है वो पीछे ही रह गई थी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सब इसी तरीके से बस अभी लेके जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं, जैसे प्रॉपर एक दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बस यहाँ पर अभी कुआ आ चुका है, तो यहीं पे फिर हम सारी जितनी भी मतलब गणगौर बनाई हुई है मतलब कि उनको उतारते हैं और उसके बाद में फिर पानी पिलाया जाता है। तो सारी मतलब कि ना सबको ही पानी पिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी वाली जो बनाई हुई है उसे ही पानी पिलाते हैं, बाकी जिन्होंने भी मतलब बना रखी है तो हम जो मतलब जग में पानी लेके आए हैं तो उससे फिर मतलब छींटे देके मतलब एक तरीके से पानी पिलाया जाता है गणगौर को। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स फिर से मतलब पानी पिलाने के बाद में फिर से ये गणगौर लेके जाई जाती है और फिर आगे एक और कुआं पड़ता है और फिर मैं बताऊंगी कि उसका फिर वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं। तो ये मौसी ना एक्चुअली पूरा ये जो था साफा जो बांध रखा था वो खुल गया था, तो मौसी फिर वही ठीक कर रही थी। तो बस मैं भी आप देख सकते हैं मैं भी फिर मम्मी बोली कि पानी पिला दो तो मैं पानी पिला रही थी। और बस फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे गणगौर का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। और अभी तो क्या है ना कि अभी टाइम बहुत बदल चुका है, लेकिन पहले का जो टाइम था ना फ्रेंड्स उसमें तो बहुत अच्छा था क्योंकि मतलब लड़कियाँ बहुत मतलब अच्छे से पानी वगैरह लेके आती थी और काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से होता था। अभी ठीक है टाइम के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये जो रीत है हमारे गाँव का जो कल्चर है ये मतलब अभी भी ऐसा ही है। तो बस फ्रेंड्स अभी यहाँ से अभी पानी पिला दिया है और उसके बाद में अभी फिर से जिस तरीके से पहले ली थी उसी तरीके से फिर से अभी रख के और फिर इनको वापस ले जाया जाएगा। तो सीधा इनको पहले घर में नहीं ले जाया जाएगा, एक और कुआं पड़ता है अभी इसको फिर वहाँ पे लेके जाएंगे हम फ्रेंड्स। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स बस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अभी हम दूसरी जगह पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे फिर हमें सबको रुक के मतलब यहाँ पे सब रुकते हैं पानी पिलाते हैं फिर से। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये जिस तरीके से मतलब हमने पूरा पहनाया था उसी तरीके से मतलब कि ना जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो खोल ली जाती हैं और जो मतलब पूड़ियाँ हैं उसके मतलब उससे ही तैयार की जाती हैं ये जो हम गणगौर तैयार करते हैं। तो बस वो जो फिर पूड़ियाँ बचेंगी फ्रेंड्स उनको फिर यहाँ पे जो कुआं पड़ता है उस कुएं के अंदर में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं सब मतलब कि पानी पिलाने के बाद में बस जितना भी मतलब कि जो भी पहनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी मतलब कि निकाल देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ से फिर हम अपने घर मतलब कि चले जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि मौसी वगैरह सारी चीज़ें निकाल निकाल के सिस्टर के और मेरे हाथ में दे रही है और ये विहान को देखो। और फ्रेंड्स क्या है ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो रहा था ऐसे इसमें मतलब कि मुझे वीडियो बनाना,
तो इतना क्लैरिटी के साथ में आप देख सकते हैं कि वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि ना कभी सिस्टर मतलब कि बना रही थी, कभी मैं ले रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी, साथ में विहान भी था, तो इसी वजह से फ्रेंड्स अच्छे से नहीं हो पा रहा था वीडियो बनाना। बट होपफुली मतलब कि जो मैं आपको मतलब कि मतलब इस वीडियो के थ्रू मतलब बताना चाहती थी कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो गणगौर का जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, अब ये देखिए ये पूड़ियाँ हैं, इनसे ही हमने मतलब तैयार की थी, और ये जो मुड्डी देख रहे हैं आप, इससे ही तैयार हुई थी। तो अब ये जो जितने भी हैं इनको बस वो कुएँ में जाके डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मौसी और मम्मी चले गए हैं, और देखिए बाकी सब भी मतलब अपनी अपनी जो थी पूलिया उनको डालने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली ना सूखा कुआ है, इसमें कोई पानी नहीं रहता है, तो इसमें फिर डाल देते हैं, और फिर यहाँ से अब हम सीधा बस अभी जाएंगे फ्रेंड्स घर पे, और फिर मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ ये फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा विहान भी देखिए कितना सारा सामान लेके आ रहे हैं गुनु। और ये देखो सिस्टर को, सिस्टर का मुंह देखो, विहान आप कितना सारा सामान ले आए, वाह। तो फ्रेंड्स बस अब जस्ट हम अभी आए हैं, और अभी 6 बजे का टाइम है, 6:10 का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। और लेके तो सिस्टर और मम्मी गई थी, क्योंकि विहान तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता है किसी को, तो फिर मुझे ही लेके जाना पड़ा। और विहान बीच बीच में ना फिर गोद की जिद कर रहा था, तो उसको फिर गोद में भी लेके चल रही थी। और फ्रेंड्स काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो मुझे पता है मम्मी और सिस्टर थक गई है बहुत बुरी तरह, लेकिन हमारे गांव में इसी तरीके से जो बड़ी गणगौर है फ्रेंड्स वो निकाली जाती है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपके यहाँ पे क्या इस तरीके से गणगौर निकाली जाती है, क्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हरियाणा से होंगे बेसिकली उनके यहाँ पर ऐसा होता होगा, बट कहीं कहीं जगह पर बड़ी गणगौर निकाली जाती है, कहीं कहीं पर सिर्फ मिट्टी की जो गणगौर है वही निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर किस तरीके से मतलब होता है गणगौर का सेलिब्रेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का गणगौर स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये विहान को देखिए पूरा हो चुका है गीला, अभी बस पापा पानी दे रहे थे और बस पेड़ों में, तो बस देखिए पूरे पाइप से पूरा गीला हो के आ गया। ये क्या करके आ गए बेटा आप? ओ तो चलिए फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, हालांकि मैं तो लेके भी नहीं गई थी, लेकिन मम्मी वगैरह लेके गई हैं, तो काफ़ी थक गई होंगी वो तो क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमारे इसमें, और फिर ना लास्ट में फिर वो ना मतलब कि पूरा जब निकाल देते हैं जो भी कपड़े वगैरह हम पहनाते हैं, चिल्लाओ मत भैया, तो जो भी कपड़े वगैरह हम पहनाते हैं वो सारे फिर निकाल देते हैं, और फिर उनको निकाल के लेके आ जाते, फिर जो जो पूड़ी होती हैं उनसे जो तैयार किए जाते हैं वो फिर कुएँ के अंदर डाल दी जाती है, तो वो उसी तरीके से फिर कुएँ के अंदर डाल रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।